क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बच पाएगी? शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद मंगलवार 21 जून से ही यह सवाल देश की राजनीति के केंद्र में है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के कुछ बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं। शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ कुल 40 विधायक हैं। इस दावे के बाद राजनीतिक गुणाभाग तेज हो गया है। महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA गठबंधन सरकार की गांठें ढीली पड़ती नजर आ रही हैं। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बच पाएगी? शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद मंगलवार 21 जून से ही यह सवाल देश की राजनीति के केंद्र में है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के कुछ बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में हैं। शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ कुल 40 विधायक हैं। इस दावे के बाद राजनीतिक गुणाभाग तेज हो गया है। महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA गठबंधन सरकार की गांठें ढीली पड़ती नजर आ रही हैं। एकनाथ शिंदे ने CM उद्धव ठाकरे से साफ कह दिया है कि अगर वो BJP के साथ गठबंधन करेंगे तो शिवसेना में विभाजन नहीं होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने ऐसी किसी संभावना को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। एक विधायक के निधन के कारण फिलहाल 287 सदस्य हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा 144 है। इस राजनीतिक संकट से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन का दावा था कि उनके पास 169 विधायकों का समर्थन है। शिंदे की बगावत के बाद अब महाराष्ट्र में 7 संभावित स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक महाराष्ट्र की सियासत में इनमें से एक स्थिति जल्दी बनती दिखाई देगी। हम 7 स्थितियों के बारे में आपको बताते हैं। पहली स्थिति पर नजर डालते हैं। शिवसेना के पास कुल 55 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे अगर 37 विधायकों 2/3 संख्या का समर्थन लेकर नया गुट बनाते हैं तो वे दल बदल कानून के तहत अयोग्य होने से बच सकते हैं, उनके गुट को मान्यता मिलेगी। उधर BJP अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है और अगर शिंदे और उनके विधायक BJP को सपोर्ट करते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। BJP के पास कुल 106 विधायक हैं और उसे निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। दूसरी स्थिति, अगर BJP विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है और इसके बाद अगर शिंदे के समर्थन वाले विधायक MVA सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो वे अयोग्य करार दिए जाएंगे। इससे उन सीटों पर दोबारा चुनाव होंगे। शिवसेना सरकार की किस्मत अयोग्य होने वाले विधायकों की संख्या पर निर्भर करेगी। तीसरी स्थिति क्या है, अगर बागी विधायक इस्तीफा देते हैं तो सदन में सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार का भविष्य इस्तीफा देने वाले विधायकों की संख्या पर निर्भर होगा। चौथी स्थिति, एकनाथ शिंदे BJP के समर्थन से CM बन सकते हैं। शिंदे 37 विधायकों का समर्थन जुटाते हैं तो अयोग्य होने से बच जाएंगे। इन 37 विधायकों के साथ उन्हें अपनी पार्टी बनानी होगी या BJP के साथ विलय करना होगा। पांचवी स्थिति क्या है, अगर शिंदे की बगावत विफल हो गई यानी वे 37 विधायक नहीं जुटा पाए और कुछ विधायक शिवसेना के पास वापस आ जाते हैं तो MVA सरकार बच सकती है। छठी स्थिति, राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए राज्यपाल केंद्र को रिपोर्ट भेज सकते हैं जिससे केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। सातवीं स्थिति, राज्य में दोबारा चुनाव होने की संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार 22 जून को एक ट्वीट में लिखा कि मौजूदा राजनीतिक हालात विधानसभा भंग होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर विधानसभा भंग होती है तो राज्य में दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति हर पल बदल रही है। राज्य में सियासी संकट के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और CM उद्धव ठाकरे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर BJP भी राजनीतिक हालात को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।